हेलो जी, नमस्ते, वारेछुआ। वारेछुआ मतलब सब ठीक हो कश्मीरी में। तो दिस इज़ ए वेडिंग व्लॉग। ये बनाने से पहले मैं ये बता देता हूँ, दिस इज़ नॉट गोइंग टू बी सिनेमैटिक। ये जस्ट मेरे पास उस वक्त गोप्रो, मुझे नया नया नितिका ने गिफ्ट दिया था और मैंने उससे जो भी थोड़ा बहुत व्लॉग किया तो मैंने उसको इस वीडियो में डाला है। और ये वैसा वीडियो भी नहीं है जिसमें आपको शादी में वीडियो दिखते ना, जो वीडियो कैमरा वाले उठाते हैं जिसमें आप खाना खा रहे हो और वो तो भी आपका वीडियो उठाएंगे, या जब यू नो लड़के लड़की की शादी हो जाती फिर वो पोज देते हैं और वहाँ से ऐसे फ्लावर्स और वो सब आता है, वो सब नहीं है इसमें। इट इज़ जस्ट ए प्लेन सिंपल रॉ व्लॉग। कोई स्टोरी मैंने प्रॉपरली इसको प्रॉपर एक स्टोरी लाइन नहीं दी है, तो दैट इज़ वाई आई एम हेयर, आई एम टॉकिंग टू यू कि उस वक्त क्या हुआ था। मैं और नितिका बैंगलोर में काम कर रहे थे और फिर हम जम्मू आए थे शादी करने के लिए। कहीं भी कश्मीरी पंडित कहीं भी रह रहा हो ना, US में कहीं भी दुनिया के किसी भी कोने में, वो शादी जम्मू आके ही करता है क्योंकि जम्मू में सारे रिलेटिव्स होते हैं, दैट इज़ द रीज़न। और जम्मू में जम्मू कश्मीरी खाना मिलता है, दैट इज़ वन मोर रीज़न। अब जब मैं शादी के लिए आया और मैंने कुछ दिनों के बाद पता चला लगन चीर करके कुछ एक रहता है, मुझे भी नहीं पता है। सो ये जो आप पहला वीडियो देखोगे ये लगन चीर का है। अब हसम ये है कश्मीरी जंत्री। क्या ये आज क्या हो रहा है, लग्न है? आज गुरुजी आया है लग्न चीर लेने। लग्न चीर लेने लेके 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 लेने नहीं लेना है उसको चाय खतरा। तो मतलब ऑफिशियली ये स्टार्ट है शादी का? हाँ, मुझे नहीं पता था तेरे साथ ही होगा कुछ टाइम के बाद। भाई अभी बहुत टाइम है, 2 साल के बाद। आर्गम नमा और अशेतम पोस्ट रासीतन आर्गम नमा ओके। ये वीडियो इस कारण मैं नहीं बना रहा हूँ कि मैं आपको बताऊँ कि कश्मीरी में क्या रिचुअल्स होते हैं, ये जस्ट व्लॉग है। मुझे भी नहीं पता लगन चीर क्या होता है, बट ऐसा कुछ होता है कि जो आपका ये होता है ना गुरुजी, वो आपके घर आता है और वो आपको कुछ तो ये देता है बुक जैसी जिसमें आपका गोत्र वोत्र कुछ लिखा होता है। हमारी शादी 23 नवंबर 2017 को हुई थी, आई थिंक मैं डेट सही बोल रहा हूँ, आई थिंक मैं सही बोल रहा हूँ। तो उस वक्त मेरी जो दादी है वो बोल पाती थी, चल पाती थी। उनको अब तब भी डिमेंशिया था, डिमेंशिया अगर आपको नहीं पता एक बीमारी होती है जिसमें मेमोरी लॉस हो जाता है। तो उस वक्त भी वो ऐसे घर से भागने की कोशिश करती थी, वैसा कुछ करती थी, बट आजकल वो कुछ नहीं कर पाती है। मे बी उसको आई थिंक उसको पार्किंसंस डिजीज भी हुआ है जिसके कारण उसकी मोटरिंग स्किल्स अब नहीं चलते, बट उस वक्त वो बिल्कुल फुल रेज में मोड में आती थी और वो घर से बाहर निकलने की कोशिश करती रहती थी। कि जब आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है कोई इलाज है क्या जिससे आपको रोक सके? तो शादी में एक एपिसोड क्या हुआ था, मेरी दादी घर से भाग रही थी तो मेरा जो कज़न है वो पीछे पीछे गया। ही नोज़ हाउ टू हैंडल हर, बट मेरे मामा जी ने ऐसे बोला नहीं, मैं कर लूँगा अकेले। तो मेरे मामा जी सामने गए तो मेरे कज़न को पता था क्या होने वाला है, वो साइड हो गया और जो मेरे मामा जी को पड़ी है मेरी दादी से। 19th को है हमारी नितिका जी की मेहंदी रात, 20th को मेरी मेहंदी रात, 22nd को मेरा देवगुन, 23rd को शादी और 26th को रिसेप्शन और 25th को मेरे साले का यज्ञोपवीत है। यज्ञोपवीत माने कि ये थर्ड सेरेमनी अपनी। तो ये है प्लान, बट इसके बीच में छोटे छोटे फंक्शंस हो सकते हैं, मुझे भी नहीं पता। जैसे वो लग्न चीर था, कल से मेहमान आने स्टार्ट होंगे और इट विल बी मोर लाइक ए वेडिंग। अभी तो ऐसा कुछ नहीं लग रहा है, सो मुझे तो ऐसा कुछ डिफरेंट नहीं लग रहा है। कल से मेहमान आएंगे फिर वो बोलना स्टार्ट करेंगे, ये तेरी शादी हो रही है, शादी हो रही है, और तब मुझे फील होगा हाँ भाई मेरी शादी हो रही है। हमारे कश्मीरियों में जब भी किसी की शादी होती है तो उनके घर पे पहले ही कुछ मतलब हफ्ता पहले ही बहुत सारे लोग आके रहते हैं, जैसे क्लोज रिलेटिव्स मोस्टली बड़े लोग वो आके एक ही घर में रहते हैं और गाना बजाना होता रहता है, डांस होता रहता है, बट कश्मीरी ट्रेडिशनल वे में, वो नया वाला डिस्को विस्को नहीं होता है, कश्मीरी टाइप में ही ठाप 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 डोली बजती रहती है और डांस होता रहता है, बहुत ही फनी होता है, बहुत ही मज़ा आता है। Thank you.
कश्मीरी एक्सेंट आ रहा है। मुझे मीट पसंद है। तेरे को मीट पसंद है? ना। तेरी शक्ल पे लिखा है। गरीब लोगों को खाना खिला रहे हैं, ये पहली गरीब है। देखा गरीब लोग क्या खा रहे हैं, ये गरीब नहीं बोल सकते हैं, मगर आप इनकी ये देखिए। ये सिर्फ मैं नितिका को पहनाऊंगा और वापस लेके इनको दे दूंगा, ताकि मेरा बड़ा नाम हो जाए सबके सामने। गाना गाना हो गया, अब खाना खाना हो रहा है, इसके बाद सोना हो जाएगा। मसाल नहीं है, असली मेहंदी लगेगी, रंग चढ़ेगा, उसके बाद निखरेगा। बस थर्सडे को फाइनल काउंट डाउन हो जाएगा। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, शुभ रात्रि, आप सबका भला हो, हर हर महादेव। अगली सुबह मेरा सात मंथ्स था। सात मंथ्स मान लो मेहंदी रात टाइप का ही होता है, बट उतना ग्रैंड नहीं होता है। सुबह होता है और आपको मेहंदी वेहंदी लगाई जाती है, लड़का हो लड़की हो दोनों को मेहंदी लगाई जाती है और थोड़ी बहुत पूजा होती है उसमें। सुबह के 7:10 होने वाले और ये चल रहा है काम। आज पूजा है यहाँ पे, सब टल्ली हुए थे जो कल, वो आज काम कर रहे हैं। आज तक भी दिखाएंगे। हाँ। ये बांध के इस थे विकेतन। इस पूजा को क्या बोलते हैं मम्मी? इसको बोलते हैं बबजी का होमा। 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 हवन जैसा छोटा मोटा। फिर उसके बाद होगी सात मोन्स। ले लो, ले लो आलू, ले लो प्याज, ले लो। घोड़ों की रेस में गधे भी दौड़ रहे हैं। सात मंथ्स के बाद जो नेक्स्ट प्रोग्राम होता है वो होता है मेहंदी रात। मेहंदी रात रात को होती है, आपको वापस मेहंदी लगाई जाएगी, बट ये थोड़ा ग्रैंड होता है। और अगर आप किसी कश्मीरी शादी में जा रहे हो और आपको एक ही प्रोग्राम अटेंड करना है, यही करना, इट इज़ फन। गाना बजाना बहुत सारा, डिस्को टाइप भी और कश्मीरी ट्रेडिशनल टाइप भी होता है, और बहुत सारे दोस्त आते हैं, पार्टी होती है, बहुत ही मज़ा आता है। मैं अपनी मेहंदी रात में जाने से पहले बहुत मुझे अजीब लग रहा था, क्योंकि दिस वॉज द वेरी फर्स्ट प्रोग्राम जिसमें इतने सारे लोग आने वाले थे, और मुझे थोड़ा सा शाई फील हो रहा था, तो मैं थोड़ा सा लेट ही गया अपनी मेहंदी रात में। यहाँ पे खाना नहीं है आज, आज नहीं है यहाँ पे खाना, सॉरी। सब गाड़ियाँ जा चुकी है, हमने ऋषभ को बोला है गाड़ी भेज, वो खुद आएगा और मेरे को लेके जाएगा। तो मतलब दूल्हा यहाँ बैठा हुआ है। नमस्कार। अभी मेरी मेहंदी रात चल रही है वहाँ पे बैंकेट हॉल में, और मैं यहाँ पापा जी के ये साथ बैठ के पापा जी का ज्ञान सुन रहा हूँ। सुनाओ कुछ ज्ञान व्यान यार, चलने दो मेहंदी रात। मेहंदी रात ये तो शोभा है, मेहंदी रात में अगर ये गाया जाएगा, ये वाला गाना। हाँ, गा के सुना दो। ये परमात्मा का ध्यान ये है यार, गा के सुनाओ। सुनाता हूँ ना। नहीं, इन लोगों को सुनाओ। इनको ये कहाँ सुनिए, तो मैं बाहर निकलूँगा
और उनको ये दो गीत सुनाऊंगा। पर वो सब भाग जाते ना। मैं क्यों भाग जाते? आपकी आवाज सुन के। तो सुनाओ फिर गाना। सुनाता सुना वही। फिर से सुनाओ। फिर से सुनाऊंगा। अरे शिव की याद रहे ये, तब आँखों में समाया होगा। ये आपने खुद लिखा है गीत? नहीं, खुद लिखा है या और किसी ने लिखा है, तो गीत सुना सुनने के लायक है और आपके आवाज पे अच्छा भी लगता है। और अच्छे नहीं है क्या बात कर रहे हो? लता मंगेशकर जैसी आपकी आवाज। सॉरी, मोहम्मद रफी जैसी। बस अब तक मैं बात ये नहीं। आपको अच्छा नहीं लगा। तो फाइनली हम कितने बजे, क्या टाइम है? 8:15 बजे पहुंच चुके हैं। चलें। वो हवा ओ मारा के बाद जो नेक्स्ट प्रोग्राम होता है वो सुबह होता है, उसको देवगुन बोला जाते हैं। तो देवगुन में आपको दही से नहलाया जाएगा, आपके ऊपर कुछ ऐसा कपड़ा रखते हैं, उसमें फिर पानी और दही डालते हैं, दूध डालते हैं और आपको नहलाया जाता है। और उसके बाद आपको नहाना होता है और आपके ऊपर एक टॉवल रखी जाती है और आपको आपके जो मामा है, लड़की हो या लड़का हो, दोनों कोई भी हो, आपका जो मामा है या मामे हैं वो आपको अपने कंधे पर उठा के सीधा अग्नि के पास रखते हैं और तब तक आप और कुछ नहीं देख सकते हो। आपके ऊपर टॉवल होती है, आपको सिर्फ टॉवल हटा के सीधा अग्नि को देखना होता है। ये सब्जियां कट रही हैं। आपको फास्ट है ना? हाँ। ये फार कुछ नहीं खाना है आपको? का जो उबन है ना, इसकी ये कैसे बनता है? दाल से ना? ये मूंग की दाल से बनता है। ये क्या नदरू आलू का क्या? पकौड़े बनाएंगे। क्या मतलब? पकौड़े। ये एक्शन कैमरा। अच्छा, तो मगर ये हाई रेजोल्यूशन में आपका वीडियो ले सकता है। अच्छा अच्छा, ये जो है ये कांगड़ी में ये तुम क्या कर रहे हो? इसे नजर नहीं लगती। और इसमें क्या होता है? इसमें इसबंद होता है। इसबंद क्या होता है? इसमें इसबंद होता है, वो जलाते हैं एक ये से पूरी नेगेटिव चीजें सारी बाहर खत्म कर देती है, एनर्जी घर में आती है, नेगेटिव सारी दूर हो जाती है। और मैं यही खा सकता हूँ, ये और फ्रूट्स। ये लिप्टन चाय, मतलब नॉर्मल चाय जो होती है वही है विद मिल्क। और ये है लोटस का जो स्टैम्प होता है, उसको यहाँ पे नदरू बोलते हैं, तो कश्मीरी लोग जो बोलते हैं नदरू। और ये है नदरू पकौड़े। यहाँ से आ इसको चलेगा पानी। खर्ची लगाई है आप हमने, क्या करेंगे? इसके बाद जो नेक्स्ट प्रोग्राम होता है वो होता है शादी।
तो शादी में मेरे को अभी भी कुछ मोमेंट्स याद है कि हमने रात को 3:30 बजे तक पार्टी की थी, मैं और मेरे दोस्तों ने, कज़न्स ने, और मैं सुबह उठा शेव करने के 8 बजे, 9 बजे नहा के रेडी हुआ, फिर उसके बाद आपको पगड़ी पहनाई जाती है कश्मीरी टाइप वाली, आजकल बहुत सारे लोग वो नहीं करते बट मुझे बहुत मन था कि मैं कश्मीरी पगड़ी ही पहनूँ, तो वो पहनी, और मुझे उसके बाद याद आया कि मेरे नाखून काटे हुए नहीं थे, और सब कुछ सजने के बाद मेरी मम्मी मुझे अंदर ले गई, मेरे नाखून काटे, क्रीम लगाई और फिर मेरे को बाहर भेजा। रेडी होने के बाद मुझे बहुत सारे हार पहनाए गए, इतने हार कि मेरा गाड़ी में बैठना मुश्किल हो रहा था। मेरे भाई नितिन ने वो सब निकाले बट जब मैं वहां पहुंचा मुझे फिर से हार पहनाए गए। वीडियो लॉग में तुझे देख रहे हैं। ओके जी, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वेडिंग ब्लॉग। मेरे को जब ही बना रहा था मेरी वो सब यादें ताज़ा हो गई जो भी शादी के वक्त हुआ था। आई रिमेंबर मेरे दोस्त US से, UK से, आयरलैंड से, इंडिया के अलग अलग कोनों से आए थे अपना सब काम छोड़ के, और उन्होंने 7 दिन मेरे साथ बिताए थे और बहुत सारा काम करते थे बेचारे। रात को दारू भी पिलाता था उनको मैं, और बहुत सारा काम करते थे। तो एक बात बोलना चाहूँगा, मेरे पास उस वक्त मेरे को कोई एक्सपीरियंस नहीं था कैमरा कैसे हैंडल करते हैं, मैंने जस्ट GoPro उठाया और कभी कभी फ़ोन उठाया और व्लॉग करने लगा, बोलने लगा कैमरा के सामने। अब मेरे पास बहुत सारी मेमोरीज है वो चेरिश करने के लिए। तो आप लोग भी जब भी ऐसा कुछ बड़ा फंक्शन हो रहा होता है ना, तो आप भी कभी व्लॉग कर लिया करो यार। मे बी आप एक यूट्यूबर नहीं हो बट दैट्स फाइन, बहुत सारी सिंपल ऐप्स हैं जो आपको एक कलेक्शन बना के दे देगी वीडियोस का, और वो आप कभी भी जाके मतलब अगले 10 साल 20 साल के बाद भी देखोगे, आपको इतना अच्छा लगेगा, यू विल चेरिश दोस मोमेंट्स लाइक आई एम डूइंग राइट नाउ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग, सी यू इन द नेक्स्ट वन, बाय बाय।